हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग नाम से समझ ही सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को क्लैन वार लीग का सबसे अच्छा टाउन हॉल 11 के लिए सबसे अच्छा, सबसे मस्त और सबसे आसान तरीके वाला वार अटैक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। यह टाउन हॉल 11 में, जैसे आप लोग जानते हैं, क्लैन वार लीग जब से चालू हुआ है, लेकिन एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्लैन वार लीग में बहुत ज़्यादा मिसमैच होती है। आप लोग समझ ही सकते हैं, मतलब आपके पास उतना हाई लेवल का टाउन हॉल्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं सामने। तो हमने दो इंजीनियर्स बेस को पूरा बिगाड़ के अप कर लिया है, फिलहाल टाउन हॉल 12 पे चढ़ा दिया है, ताकि कुछ तो आए ऊपर, हम लोग कुछ तो कर सकेंगे। खैर वो अलग बात है, वो आज का टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टाउन हॉल 11 के लिए जो सबसे आसान, सबसे मज़ेदार जो वार अटैक स्ट्रैटेजी है वो क्या है। चलिए अपन देखते हैं, आपको शुरू से मैं दिखाता हूँ। खैर यहाँ पे आप लोग कोई भी, ये आराम से मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, आसान बेस, हार्ड बेस, सब तरह के बेसिस में दिखा रहा हूँ, क्या करना है नहीं करना है सब बता रहा हूँ मैं आपको। आप लोग ऑफेंड मत हो जाइएगा कि यहाँ पे आपने ऐसे मारा, ईजी बेस है, टफ बेस है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, हम हर तरीका, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आप बस इसको अप्लाई कीजिएगा और आपका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, वो वार में बहुत अच्छा आपको ये मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेस, एक अटैक है, टाउन हॉल 11 है, नया नया टाउन हॉल 11 है। बस भाई ने इन्फर्नो को बस अप कर लिया है, इन्फर्नो आर्टरी को उसने अप करके रखा है, और कुछ खास नहीं बेस पेस का, बाकी टाउन हॉल 10 ही है और नए डिफेंस डाले हैं, बस इन्फर्नो को उसने अप करके लिया है। तो चलिए देखते हैं, वैसे ये अटैक है क्या। बहुत पुराना अटैक है, मैंने आपको बताया हुआ, टाउन हॉल 10 पे भी ये मारा करता था, लेकिन 11 पे ये बहुत अच्छा क्यों है मैं वो आपको दिखाऊंगा। इसमें आप लोग कंपोजिशन में, अगर आपके पास 100 टोटल, मतलब 260 के जो आर्मी कैंप होते हैं वो अगर फुल हो जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे 10 बोलर, 10 जाइंट, 10 विच और 15 बोलर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर एक दो कम हो जा रहा है, तो एक आर्मी कैंप जैसे कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे 10 बोलर, 10 जाइंट, 15 बोलर, 9 विच और दो बाकी जो स्पेस पे अपने आर्चर मिनियन से फिल कर लिया। चलिए अटैक देखते हैं क्या है। सिंपल अटैक है, ज़्यादा पेन नहीं, एक कोना में से, यहाँ पे आप ये करें ना करें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आप एक लाइन से जाइंट को स्पैम कीजिए, पीछे एक लाइन से विच को स्पैम कीजिए, सॉरी, उसके बाद सीज मशीन को आप डाल दीजिए, उसके बाद पीछे बॉलर और किंग क्वीन विथ ग्रैंड वार्डन, बस इतना सा गेम है इस पर, इतना कर दीजिए। उसके बाद आराम से वेट कीजिए, पहला जो ईगल वार्टरी मारती है तो पहले बार में एक हील स्पेल डाल दीजिए, उसी में वहाँ पे एक रेज भी मार दीजिए, ताकि जो भी सामने का ट्रूप है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे जैसे इन्फर्नो आर्टरी सब एक तरह है, यहाँ पे एक रेज मारना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे देखिए एक हील मारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रो निकला है। देखिए हाँ, जैसे इसने हील मारा, पॉइजन मार दिया है सीसी पे, फिर यहाँ पे देखिए एक और रेज मार दिया, और ग्रैंड वार्डर की एबिलिटी बहुत सही थी। यहाँ पे देखिए ग्रैंड वार्डर की एबिलिटी पे पूरे बोलर्स बच गए। क्या चलिए, ये अटैक यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा है, फिर बाहर जो बोलर है यहाँ पे जंप, रेज, बस और कुछ नहीं, आपको वेट करना है ट्रूप्स कैसे फूट रहे हैं ये देखना है। जगह जगह पे आप बस अब जो बचे स्पेल्स हैं उसको यूज़ करिएगा, कोशिश कीजिएगा वो जो रेजेस हैं वो बोलर पे ही काम करें, मतलब बोलर पे ही पड़े। तो चलिए, उधर किंग क्वीन है, यहाँ पे कुछ बोलर्स हैं, कुछ विचेस हैं, ये काफ़ी है मतलब इस बेस को तोड़ने के लिए, देख लीजिएगा आराम से। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आपका ओवर पावर्ड अटैक रहेगा कि आपके बहुत सारे ट्रूप्स बच गए, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। जनरली आपको देखने को क्या मिलेगा, आपके ऑलमोस्ट सारे ट्रूप मर गए हैं, सिर्फ आपकी किंग क्वीन या आप एक विच, दो विच या एक बोलर से ही आपने बेस को 3-स्टार कर दिया है, जनरली ऐसा होता है। खैर चलिए, ये था एक डेमो, आप तो पता ही चल रहा है 3-स्टार है, आसान बेस है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। थोड़ा और एक और बेस देखते हैं, रिप्ले देखते हैं डायरेक्ट। ये भी देखिए नया नया टाउन हॉल 11 है। खैर आपको बता दूँ, ईगल आर्टरी जब आ जाती है तो बहुत थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो जाता है वार अटैक देने में। तो ईगल आर्टरी थी, इसने देखिए ट्रूप्स मारा, वहाँ एक साइड से बोलर विच, उधर एक साइड से बोलर विच, सारे स्पैम कर देगा, बाकी सारे बोलर, जाइंट बोलर विच एकदम नीचे बीच में, देखिए फिर सीज, फिर किंग क्वीन और वार्डन आ जाएगा पीछे। देखिए इतना सा, बस आपको स्पैम करना है, उसके बाद टाइम टाइम पे स्पेल मारते जाना है, और कुछ नहीं है इस अटैक में। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अंदर तक गया, अंदर जा रहा है, यहाँ पे फिर देखिए
आपका सीरीज तो आज बहुत ओपी हो चुका है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए बॉलर पे हील्स पे पहला हील से वहाँ पे जैसे ही निकलेगा एक रेज मारेगा, तो जैसे इसने वहाँ पे रेज मारने में बहुत डिले कर दिया, पहले इसको मारना चाहिए था क्योंकि इसके इलेक्ट्रो उसके इलेक्ट्रो को ने उसके सीसी वाले ट्रूप्स को ले पूरा एकदम तुरंत तहस नहस करके ख़त्म ले लिया पूरा। तो अब देखिए अंदर अब जो बॉलर बचे रानी गए उस पर रेज मारा है, चलिए खैर ठीक है। वो बेस जो है बस मैंने आपको बोला ना ये ऑलवेज बहुत ज़्यादा ओपी नहीं होता, लेकिन यही इस अटैक की खासियत ये है कि अगर आप 3-4 गलती भी करते हो तो ये अटैक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देता है। जैसे मैं इसके बाद एक और दिखाऊंगा आपको एक अटैक जिसमें मैंने कुछ गलतियाँ कर दी थी, लेकिन 3 स्टार तो नहीं हुआ पर एक परसेंटेज आपको ये लेके आता है, 2 स्टार तो कन्फर्म रहता है लेकिन कुछ परसेंटेज आपको पहुंचाता है ऊपर तक। अच्छा अटैक स्ट्रैटेजी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे आपको ये जो अटैक है ये इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं क्योंकि ये देख ही रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ वो जो बस मैं बोला ना ओपी नहीं रहता है, कुछ ना कुछ आपके पास कुछ कुछ लास्ट में कुछ जो छोटे से ट्रूप्स होते हैं उसे पे आप उस बेस को क्लियर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2-3 विच बची थी, 2 बॉलर थे और राजा रानी के हेल्प से इसने स्टार्ट किया। खैर ये स्ट्रैटेजी बस ऐसे ही है, इसको आपको हमेशा ऐसे ही करना होगा। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एक बेस दिखा रहा हूँ ऐसे ही है, खैर ये भी वही सब सेम फंडा है, क्या दिखाना है सब। और कोई बेस अगर हो तो जैसे मैं आपको ये एक बेस दिखाता हूँ, हाँ ये भी देखिए टाउन हॉल 11 मैक्स्ड है। यहाँ पे देखिए क्या कुछ गलतियाँ हुई थी, तो आप उसको इग्नोर करके चलना, वो आप इग्नोर नहीं मैं आपको बता दूंगा वो गलतियाँ आप मत करना। बस देखिए एक साइड में एक बॉलर एक विच का मैंने स्पैम किया ताकि वो थोड़ा फनली में एक जाइंट चल दिया ताकि वो मेरे बॉलर विच बचे रहे, फिर बाकी जाइंट स्पैम किया पीछे विच को डाला सीज किंग क्वीन बॉलर, बस इतना ही काम है। देखिए बॉलर डाला किंग, अब किंग क्वीन और वार्डन को मैंने डाल दिया है। पहला लेयर तो ऐसे नॉर्मल, देखिए ईगल आर्टरी मारना चालू कर दिए, तो स्टार्टिंग में क्या जब ईगल आर्टरी मारती ना पहले ही यहाँ पे एक स्पिल डाल दी हील डाल दीजिए। देखिए सीसी से इलेक्ट्रो आजकल इलेक्ट्रो से बहुत खतरा हो जा रहा है ये सब अटैक में बॉलर को क्योंकि बहुत जल्दी मार दे रहा है वो। देखिए मेरे बीच के सारे बॉलर मर गए, बस यहाँ पे कुछ कुछ ये अटैक होता है जिसके चलते थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। जैसे यहाँ मैंने एक जंप गलत मार दिया था, इस बेस को 3 स्टार नहीं होने का 2 रीज़न था, एक इलेक्ट्रो ने मेरे सारे बॉलर्स ले लिए और एक अंदर पे देखिए एक मैंने जंप गलत मार दिया और वार्डन की एबिलिटी बहुत सारी बार होता है ना जंप जब गलत मार देते हैं तो आप एक गलती के बाद कुछ कुछ गलती लगातार करते रहते हैं, तो वही यहाँ पे मैंने वो 2 गलती कर दी थी क्योंकि अगर जंप मैं बचा के रखता तो यहाँ पे बाद में इन्फर्नो को तोड़ने का काम आता। खैर यही था, मतलब ऐसे ही चलता रहा ये अटैक, देखिए यहाँ पे ऊपर से बॉम्ब था, यहाँ पे जैसे वार्डन की एबिलिटी मुझे काम आती तो कुछ कुछ गलतियाँ हुई थी। तो खैर मैं उसको फॉरवर्ड में करके दिखाता हूँ, अच्छा खासा फिर भी टूट गया था, कुछ कुछ डिफेंस बचे थे वो, अगर मेरे पास अगर वार्डन की एबिलिटी जंप और एक जो इस पर बचा के रखा था वो दोनों अगर बचे रहते एक रेज तो ये बेस को मैं निकाल लेता इस साइड जैसे ही आते सारे बॉलर। तो खैर ये फिर भी देखिए मोर देन 84% ऐसा करीब आपका ये डिस्ट्रक्शन हुआ, तो इतना डिस्ट्रक्शन ये कर ही देता है मिनिमम आप चाहे कितनी भी गलतियाँ करो। तो चलिए मैं आपको दूसरे मतलब इसी तरह का और कुछ अटैक दिखाऊं, जैसे नेक्स्ट एक अटैक दिखाता हूं यहाँ पे। हाँ चलिए देखते हैं ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी नेम सेम फंडा। देखिए हाँ यहाँ पे ये देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा, ये बंदा ने वाली अपनी की है। खैर इसमें आपको कुछ खास तो है नहीं इसको दिखाने से, मैं फास्ट फॉरवर्ड में ही दिखाता हूँ, वही जाइंट को स्पैम किया फिर विच स्पैम किया फिर बॉलर स्पैम किया बस सीज डाल दिया राजा रानी के साथ। सेम फंडा से आपको चलाना है, अंदर जाते रहेगा अंदर मारते रहेगा, स्पेल को बस आप डालते रहिए और कुछ नहीं है इस अटैक में। ये थोड़ा इजी बेस था इसीलिए मैं आपको मतलब ज़्यादा पूरा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, बस आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ। यहाँ हाँ इन जैसे बेसिस पे ये ओपी अटैक हो जाता है क्योंकि कुछ नहीं है डिफेंस, मैंने डिफेंस तो हैं 11 के डिफेंस थे इसके कुछ और कुछ 10 के डिफेंस थे, बट फिर भी वॉल्स बहुत ज़्यादा बचे थे तो वॉल्स के चलते इस बेसिस को इन लोग मतलब आसान समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तो 10 के ट्रूप से पहुँचेंगेगा तो नहीं होगा, 11 के ट्रूप्स बहुत ज़रूरी पड़ते हैं। तो चलिए मैं आपको और एक दो अटैक और दिखाना चाहूँगा जिससे आप लोगों को पता चले कि क्या करते हैं नहीं करते हैं, जैसे ये कहर अटैक दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये बेस है टाउन हॉल वही सेम तरह का है, बस इन्फर्नो इसने अप कर दिया है, वो ईगल आर्टरी अप कर दिया, कुछ डिफेंस को बढ़ाया और कुछ नहीं है, बाकी सब बस सेम फंडा है। और हाँ मैं आपको यहाँ पे इसी अटैक के थ्रू एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा अटैक इस तरह से करें कि
तो इन्फर्नो जो है वो क्रॉस में रहे, क्रॉस में रहना इसलिए चाहिए, क्रॉस में जब आता है तो बॉलर एक साथ दोनों इन्फर्नो को तोड़ सकते हैं। जैसे इसको भी मैं थोड़ा 2x में ही दिखाऊंगा, मतलब 1x पे आप दिखा के फायदा नहीं, क्योंकि स्पैमिंग ही तो है इसमें और कुछ तो है नहीं। दो साइड में दो विच, बीच में जाइंट विच स्पैम किया, पीछे बॉलर विच हीरोज और देश। बाद में देखिए यहाँ पर एक गलती क्या हुई, मैंने सीज थोड़ा भूल गया था, तो अचानक देखिए थोड़ी देर बाद मुझे याद है। देखिए कितनी सारी गलतियाँ होती है ऐसे टाइम में, लेकिन फिर भी काम आ जाता है। मैंने बाद में इतने देर बाद देखिए मैं सीज चलूँगा, देखिए सीज अभी जाके चला जबकि पहला लेयर वाल टूट गया है। तो खैर बॉलर बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे इसलिए वापस आ गए, इधर वाले तो आ गए, इधर तो इधर घूम गए, बाकी वाले अंदर चले गए। चलिए फिर सीज की सहायता से अंदर चले जा रहा है। अब बस स्पील देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, मैंने मारा है तो दोनों इन्फर्नो को कैसे हम लोग लेते हैं। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी है, देखिए एक रेज मारा वो टूटते ही, देखिए वार्डन की एबिलिटी मैंने मारी, उधर का इन्फर्नो गया, अब इधर के इन्फर्नो को रानी ले जाएगी थोड़ी देर में। बस यही बस इतना सा अंतर होता है। इस तरह मैंने जंप भी मार दिया, देखिए जंप मारते ही वहाँ का इन्फर्नो भी गया, तो दोनों इन्फर्नो तोड़ना आसान हो जाता है। और जैसा मैं क्या आर्टरी और इन्फर्नो, ईगर आर्टरी से आपसे डर लगता है और इन्फर्नो से। देखिए यहाँ पे जैसे एक ओपी अटैक हो गया, क्योंकि यहाँ के डिफेंस थोड़े टर्नल 10 वाले पड़ गए थे, सिर्फ आर्टिलरी और इन्फर्नो ही हाई लेवल था और कुछ नहीं। तो देखिए ये भी थोड़ा ओपी रह गया, क्योंकि बहुत सारे बॉलर स्विच बच गए थे, कुछ जाइंट्स ही बस तो मरे, बाकी सब तो बहुत और कुछ बॉलर्स मरे। तो खैर ये था एक और अटैक, अब चलते हैं थोड़ा और तरह कुछ और, एक और मैं आपको अटैक दिखाना चाहूँगा। चलिए ये लास्ट अटैक है, आपको मतलब इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि क्या केस है नहीं है। मैं पहले आपको बेस दिखाता हूँ। ये बेस देखिए, देखिए टाउन हॉल 11 मैक्स्ड है, बहुत अच्छा बेस है, अच्छा बेस है। मतलब हाँ कुछ डिफेंस और एक एक बार जाएंगे आप कुछ डिफेंसेस, बाकी सब ये बहुत अच्छा मैक्स बेस है। कुछ आचे टावर होंगे, इन्फर्नो आप देख लीजिए, आर्टिलरी देखिए, गुजार टावर, आचे टावर, सीधर से सब कुछ आर्टिलरी को छोड़ के बाकी ये बहुत अच्छा मैक्स बेस है। तो चलिए देखिए, और एंटी थ्री स्टार बेस है ये भी, आप लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा ये ओपी अटैक रहा, बिल्कुल नहीं रहा, पर ये देखिए ये स्ट्रैटेजी ऐसी है। यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी गलतियाँ की, लेकिन फिर भी मैं इसको 3 स्टार कर दिया। मतलब थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा ये हल्का फुल्का चेंजेस रहता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, वही पहला अपना फंडा, मैं कॉर्नर में एक विच डाल देता हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए, वो बढ़ते रहे, फिर वह जाइंट स्पैम, विच स्पैम, सीज, पीछे बॉलर के साथ हीरोज एंड वार्डन, बस इतना ही करना है मुझे। देखिए इतना ही था इस अटैक में, अब बस मुझे हाँ यहाँ पे देखिए जैसे सीज को मैंने थोड़ा सा लेट छोड़ा था, क्या वह बॉलर मेरे आधे इधर अंदर मतलब साइड में घूम गए, और बहुत एक बॉलर बोला जाए तो अंदर घुसा है, तो मैंने उस पर ही खैर उसी को बचाना चाह रहा था, तो उस पर मैंने गलती से क्या हुआ, यहाँ पे मैंने दोनों हिल्स पर गलती से छोड़ दिया। खैर रेज मारना चाह रहा था हिल के बाद, तो गलती से छूट गया, तब क्या करें। तो फिर होता है ना कभी कभी गलती हो जाती है, फिर खैर रिकवर हो गया एक और रेज के सहायता से, मैं रेज मार दिया, अंदर जंप मार दिया ताकि इन्फर्नो उधर ले जाए, और इधर के जो बॉलर्स घूम रहे थे मैं बस इनका वेट कर रहा था, ये जैसे ही टूटे मैं यहाँ पे एक रेज मार के इन्फर्नो और टेस्ला को उड़ा लूँ। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, देखिए रेज मारा, इन्फर्नो टेस्ला उड़ गया, अच्छा खासा डिफेंस। वो बॉलर तो एक साथ दो दो मारते तो थोड़ा प्रॉफिट दे दिया था बॉलर ने मुझे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे जाइंट्स बचे थे, यहाँ एक बॉलर और कुछ विच और राजा रानी नहीं, बस सिर्फ क्वीन, किंग तो मर चुका है, सिर्फ किंग क्वीन की हेल्प से मैं इधर तो उस साइड को क्लियर कर दिया, और इधर जितना हो सकता था उतना क्लियर हुआ है। देखिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन बहुत कुछ बचा है मेरे पास, लेकिन ट्रूप सब कुछ नहीं है। एक एक जो विच थी वो भी चली गई, यहाँ पे एक बॉलर है ये भी ख़त्म होने लगा, ये दो जाइंट और एक बॉलर है ये भी अब ख़त्म ही हो जाएगा बस। और यहाँ पे और डिफेंस कितने, 1 2 3 4। और खैर यहाँ देखिएगा ये एक दो एकदम थोड़े से सीवर हेल्थ है, मतलब एक बार रानी मारूंगी और ख़त्म, ये भी बहुत छोटे हेल्थ हैं, बस विजार्ड टावर और मोटर थोड़ा ठीक ठाक हेल्थ है। लेकिन देखिए यहाँ पे आराम से मैंने रिबिलिटी इसी थ्रू आउट सेव करके रखी थी, मैंने वार्डन की भी एबिलिटी नहीं मारी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जैसे मेरे बॉलर साइड हट गए थे, मुझे लगा था कि लास्ट में मुझे इस अटैक में सबसे खास बात यही है, क्वीन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, इसलिए मैं सबसे यही कहूँगा कि आप अपनी क्वीन को हमेशा थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखिए। वैसे 50 तक जाती है क्वीन, यहाँ पे 45 ही है, लेकिन 45 भी देखिए कितना सपोर्ट किया है मुझे यहाँ पे। देखिए अब कुछ नहीं, बस दो एक डिफेंस देखिए यहाँ पे, अब एक्सबो ने मारना स्टार्ट किया है, तो जैसे ही ये AD टूटता है, टूटेगा
और एक्सबो को एक बार मारते ही रानी ख़त्म। अब यहाँ पे रानी की एबिलिटी मारी, जैसे ही विजार्ड टावर टूटा तो फिर अब तो थ्री स्टार, क्योंकि मेरे पास एक वार्डन की एबिलिटी बची हुई है। मैं यहाँ लास्ट में वार्डन की एबिलिटी मार के इस बेस को ख़त्म कर दिया। तो मतलब ओवरऑल फंडा क्या था इस अटैक का, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा आसान सा अटैक है, बस स्पैम कर देना आपको और टाइम टू टाइम स्पेल मार दिया, और कुछ एक दो गलतियाँ हो जाती है तो इससे रिकवर आप यहाँ हो जाते हो सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा एक हिल स्पेल जो बर्बाद हुआ, मैं अब इस कोना में जो मेरा बोलर्स और विचेस जो मर गए बहुत सारे, वो उस पर अगर मारते था तो ये सारे कंपार्टमेंट पहले ही क्लियर हो जाते। तो ये सब चीज़ होता है, छोटा छोटा जो गलती है उसको आप कवर कर लेंगे इस अटैक के थ्रू। तो ये था, और खैर जो वार मिसमैच के चलते हम लोग लगातार वार हारे ही जा रहे हैं। बहुत दिन मतलब लगातार चार मैच के बाद एक वार मुझे मिला है जो थोड़ा सा हम लोग उसको टफ कंपटीशन दे सकते हैं, लेकिन टफ क्या बोले हम उनका भी एक जो आपको मैं हायर बेस दिखा देता हूँ, टर्नल 12 मैक्स बेसेस हैं, सब मैक्स बेसेस हैं, तो उनको कैसे भी करके खैर कोशिश करूँगा इन इस। खैर हम लोग ने हराया बहुत है इस तरह के एनिमीज़ को, कोशिश करेंगे इनको भी हरा सके, देखते हैं क्या होता है। तो खैर आज का वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये अटैक जो था आप लोग इसको फ्रीडम में, मैं बोलता हूँ आप लोग ट्राई करिए इसको, आप टाउन हॉल 10 में भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, सेम अटैक रहेगा, बस उसमें 9 जाइन 9 वेज हो जाते हैं, हाँ बाकी सब सेम रहता है। वहाँ पे एक सीसी में आप एक्स्ट्रा रेज जो लेके जा पाते हैं वो नहीं रहता है, वहाँ 2 पॉइजन ले लेते हैं, एक फ्रीज एक पॉइजन ले लेते हैं, बस सिंपल यही अटैक है। तो आप इसको टाउन हॉल 10 टाउन हॉल 11 दोनों में ट्राई कीजिए CWL में, क्योंकि CWL में क्या होता है बहुत सारे अटैक्स अगर आपके लॉस हो जाते हैं, जैसे एक स्टार आया तो आपके टीम को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसमें क्या आता है आपको श्योर है 2 स्टार, और आप अगर ठीक से थोड़ा देख ले प्लान करके मारें तो 3 स्टार आ जाते हैं इस तरह के बेसिस पर। तो खैर ये आज कल वीडियो बस इतना ही रखता हूँ, रैपअप करता हूँ, मिलते हैं अगले कोई अच्छे अगर वीडियो हो तो मैं आपके ज़रूर सामने लाऊँगा, जैसे बताइए आपको। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।